राजीव के सामने परी ने किया अपनी शर्त का खुलासा। नीति की हुई बेल, नीति ने घर में आते ही किया तोड़फोड़। परी की वजह से आने लगी है नीति और राजीव में दूरियां। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। कलर्स टीवी के शो परिणीति के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली राजीव नीति की बेल कराने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर अब परिणीत की शर्त भी सामने आ गई है। परिणीत और पार्वती एक शर्त रखती है कि अगर तुम्हारी फियांसे नीति पर्सनली आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी तो मैं सारे केस को हटवा दूंगी और उसकी बेल भी करवा दूंगी। राजीव ये बात मान लेता है, नीति की बेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नीति जाती है परिणीत के घर पर। यहाँ पर नीति को पक्का यकीन हो गया है कि वो परिणीत ही है, ना कि पार्वती। यहाँ पर पार्वती और नीति के बीच में फेस ऑफ होता है, लेकिन नीति माफ़ी नहीं मांगती। नीति वहाँ से लड़ाई कर चली जाती है। घर में आने के बाद गुरिंदर उसकी आरती उतारती है, लेकिन घर में आते ही नीति का एक बहुत ही रूप देखने को मिलता है। घर की चीजें वो तोड़फोड़ करने लगती है और वास उठाकर घर का आईना भी तोड़ देती है। नीति का ये रूप देखकर घर वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। नीति और राजीव के बीच में भी लड़ाई होती है। नीति का ऐसा मानना है कि उसे परिणीत से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं थी, आखिर वो उसके सामने झुक क्यों गया। राजीव अपने डिफेंस में कहता है कि नीति यहाँ पर तुम गलत हो, तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था, तुमने उसके ऊपर चाकू रख दिया था। अब ऐसे में मैं क्या करता, मुझे माफी मांगनी पड़ी। और तुम भी इस तरह की हरकतें अगर ना करो तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब नीति और राजीव की क्या शादी हो पाती है, या फिर पार्वती से हो जाएगा राजीव को प्यार। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितनी एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।